ये जो नया नोटिफिकेशन है ये पीएचडी से नहीं है, ये पीएचडी से जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बारे में जानकारी है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फेलोशिप पीएचडी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 ईयर्स 7 ईयर कभी कभी लग जाते हैं पीएचडी करने में। ऐसे में आपका जो एडमिशन होता है 25-26 साल की उम्र के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। अगर ऐसे में आपका फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तब आपका जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को पीएचडी और यूजीसी नेट के तैयारी से पहले इसे जरूर देख लें और समझ लें कि कौन कौन सा फेलोशिप मिलेगा और क्या क्या यहाँ पे कितने फेलोशिप में उसमें क्या क्या है। तो इसी जानकारी है, 15 फेलोशिप है, ऐसा अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। इसको अच्छी से जानकारी भी रख लीजिए और वीडियो को साथ बने रहिए। हर तरह के फेलोशिप के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है। हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। 15 फेलोशिप के बारे में बताते हैं ताकि आइंदा आपके फेलोशिप का जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन जो आया है पीएचडी का, जो यूजीसी नेट के अनुसार जो आपका एडमिशन होगा उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पीएचडी करना दिन पर दिन वास्ट होते जा रहा है, तो इसलिए और भी आपका इम्पोर्टेंस फेलोशिप का बढ़ जाता है। तो इस लिस्ट में जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर पर जो आपका पीएचडी फेलोशिप है वो है नन नेट फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसे पहले अभी आप नेट पर होगा, चाहे जो पीएचडी का जो स्कोर होगा नेट का स्कोर में जो एलिजिबल हो जाएगा 1 ईयर्स का, उस बेस पर अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको सिर्फ 8,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगा। तो इसके लिए है पर मंथ आपको यूजीसी द्वारा दिए मिलता है इसको, तो इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और कंटिजेंसी आपको 8,000 पर ईयर मिलेगा। तो ये रहा पहला फेलोशिप, नन नेट फेलोशिप। और इसके लिए बता दें ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही प्रोवाइड किया जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इन अदर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं पीएचडी करना होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते थे, अभी भी देते हैं, ताकि वहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए बेसिक चीज़ें नीड्स के लिए आपका प्रॉब्लम ना हो। ये स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है नन नेट फेलोशिप। तो ये क्लियर हो गया आपको। और ये बता दें ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग 52 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब में मिलता है ना, ये एनआईटी में मिलता है और ना ही आईआईटी में, नहीं आईसर में, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही मिलता है। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए तो देखिए इस लिस्ट में जो फेलोशिप है यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, और जो ये फेलोशिप है पर मंथ आपको 31,000 रुपये मिलेगा, और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जिसे अलाउंस मिलता है 7,000 मिलेगा आपको। कंटिजेंसी आपको 10,000 तक आपको मिलता है यहाँ पे आपको हाउस रेंट। हालांकि हाउस रेंट सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, तो ये मिलता है यूजीसी जो को मिलता है यहाँ पे। इसी तरह यूजीसी सीनियर रिसर्च फेलो जिसे एसआरएफ बोलते हैं, ये जीआरएफ और एसआरएफ जो मिलता है उन लोगों के लिए ये तब मिलता है, ये 35,000 बढ़ के हो जाता है, और इसके बाद 8,400 रुपये 8,000 के आसपास मिलता है, इतना नहीं मिलता है, और 20,500 रुपये के आसपास में आपको मैक्सिमम मिलता है फेलोशिप। कंटिजेंसी और हाउस रेंट मिलता है, और सिटी पर ये होता है मैक्सिमम मिलेगा इतना, सिटी अगर चेंज होता है तो ये कम भी और ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये बात का आपको ख्याल रहे। और इस सीक्वेंस में जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा वो है राजीव गांधी नेशनल
जूनियर नेशनल फेलोशिप बिलोंग टू ACST कैंडिडेट को दिया जाता है। और ये जो फेलोशिप है पर मंथ आपको सेम मिलता है, 31,000 मिलता है और 7,440 सेम मिलता है, और कंटेजेंसी भी 10,000 तक आपको दिया जाता है। और ये जो फेलोशिप है आपको जो UGC नेट पास कर लीजिएगा न्यू रेगुलेशन के अनुसार, उसमें शॉर्ट लिस्ट होइएगा, उसके अनुसार आपको मिलेगा 2 ईयर्स तक, और इसी को एक्सटेंड करके आपको 3 साल के जिसे SRF बोलते हैं आपको 35,000 कर दिया जाएगा। 8,400 आपको जो हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है और 20,500 रुपये आपको मिल दिया जाएगा। और ये जो आपको मिलेगा, अगर हाउस रेंट आपको अगर हॉस्टल में रहिएगा तो नहीं मिलेगा, हॉस्टल के बाहर रहिएगा तभी आपको मिलेगा, हॉस्टल में रहिएगा तो यूनिवर्सिटी को चला जाएगा। इसी तरह से देखिए मौलाना आज़ाद नेशनल जूनियर रिसर्च फेलोशिप OBC कैटेगरी के लिए है। अब जो उसके लिए मिलेगा आपको OBC की कैटेगरी के सेम रेट मिलेगा, जैसे RGNF मिलता है ACSC कैंडिडेट के लिए उसी तरह OBC कैंडिडेट को मिलेगा, और सेम यहाँ भी फॉलो होता है रूल आपको, और सेम कैटेगरी में आपको फेलोशिप मिलता है। हालांकि अभी ये बंद हो गया है, OBC के लिए कर दिया गया है। और इसी तरह से 8 नंबर पर है देख लीजिए, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट के लिए और JRF मिलेगा, ये भी आपको नेट के आधार पर आपको फेलोशिप दिया जाता है, नेट पास कर लीजिएगा और शॉर्ट लिस्ट होता है उसके अनुसार अपने आप मिलने लगता है। अभी तक तो यही नियम है, इन फ्यूचर नियम चेंज हो जाए तो मैं अभी नहीं कुछ कह सकता हूँ, तो ये मत कहिएगा कि इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं इन्फॉर्मेशन जो अपडेट अभी जो वीडियो डाउनलोड हो रहा है उस आधार पर आपको दे रहे हैं। फेलोशिप मिलेगा और सावित्री बाई ज्योतिबा फूले फेलोशिप है, सिंगल चाइल्ड गर्ल्स के लिए, जो सिंगल चाइल्ड होते हैं जिना उसके तो उनके लिए फेलोशिप स्पेशल मिलता है, और फेलोशिप जो मिलता है पर मंथ सेम रहता है और सेम आपको कंटिजेंसी मिलता है, सिर्फ ये सिंगल चाइल्ड के लिए मिलता है। सावित्री भाई आप वो देखिए सेम आपका कंटिजेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। और स्वामी विवेकानंद फेलोशिप भी आपको दिया जाता है सिंगल चाइल्ड गर्ल्स के लिए जो JRF है उनके लिए है, पर मंथ आपको सेम मिलेगा पैसा आपको 31,000 और 2 साल के लिए और 3 साल के लिए देख लीजिए आपको बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाएगा। और ये देखिए ये सभी को मिलेगा, ये भी आपको बता देते हैं, 14 नंबर है, तो 14 नंबर हर साल निकलता है, ये आपको फेलोशिप है ICSSR फॉर फॉरेन स्टूडेंट नेशनल के लिए मिलता है आपको, 2 लाख पर इंस्टीट्यूशन मिलता है, पर मंथ मिलता है, ये ICSR देता है हर PhD करने वाले स्टूडेंट को, और ICSR स्कॉलर फॉर इंडियन स्टूडेंट को भी मिलता है आपको, लगभग ये 15-20,000 महीना के पन आता है आपको मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ फेलोशिप मिलता है। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भी होता है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मेजर फेलोशिप रहा, आपको डिटेल्स में जानकारी है, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको याद कर लेना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉन नेट फेलोशिप का 2 इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे, क्योंकि अगर ये बहुत से स्टूडेंट अगर आप इस साल एडमिशन लीजिएगा अगर आपका नेट निकल गया है तब भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, अगर आपको PhD के लिए एलिजिबल हो जाएगा तब भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। ऐसे में आप ट्राई कीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप सिंपल नेट है तब भी आपका अगर एडमिशन हो गया तो 8,000 मिलेगा, और 8,000 नहीं मिला मिल रहा है उसी बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मिल गया तो ये 2 ईयर्स के लिए मिलता है आपको, 2 ईयर्स आपको फेलोशिप मिलेगा। आई मिलता है कब, जब आपका सिनोप्सिस प्रेजेंटेशन हो जाता है तब से मिलना शुरू होता है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये रहा PhD फेलोशिप के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस तरह के भी कोई और फेलोशिप के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या और जानना चाहते हैं, और भी कई कई फेलोशिप है लेकिन ये मेजर इम्पॉर्टेंट फेलोशिप है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया ताकि अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये जानकारी हो जाए और वो अप्लाई PhD में एडमिशन लेने के बाद इस पर फोकस करें और इसको लेकर तैयारी करें। तो थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।
मिलते हैं एक नए अपडेट में, एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया यहाँ तक और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाए और उसका बेनिफिट उठाने के लिए रेडी हो जाए।